हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो CCS सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और उसके अलावा यदि आप अदर कोई कोर्स करना चाहते हैं इग्नू के द्वारा तो उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और साथ में दोस्तों इसका लास्ट डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और अप्लाई कैसे करना है सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें, और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लें, और हेल्थ से रिलेटेड यदि आपको किसी प्रकार से टॉपिक चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, कोशिश करूंगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इग्नू में तो कैसे करेंगे और कैसे लॉगिन करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने गूगल में ओपन कर रखा हूँ दोस्तों, ये इग्नू का पेज है, वेबसाइट है, जो होम पेज में आप जाते हैं तो इस प्रकार से इसका पेज ओपन हो जाता है। और अभी 2022 की बात करें दोस्तों तो ये जनवरी 2022 के एडमिशन साइकिल शुरू हो गया है, और जिसका लास्ट डेट सबमिशन अप्लीकेशन विदाउट लेट फीस है 31 जनवरी 2022 है दोस्तों, ठीक है। अब अधिक जानकारी के लिए दोस्तों यह रीजनल सेंटर का नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और उसके अलावा मैंने वीडियो बना रखा हूँ रीजनल सेंटर के बारे में, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और एक वीडियो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के लिए बना रखा हूं तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले अपन देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में, और जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने इसका पेज ओपन होके आएगा। आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया और नया पेज ओपन होके आ गया है। अब इसको आपको मैं और थोड़ा सा दिखा देता हूँ पास से दोस्तों, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में आपके यहाँ पे आपको एक यूजर नेम बनाना है, आप किसी प्रकार का आपको यूजर नेम बना सकते हैं आपके नाम के अनुसार। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है, इसके बाद आपके यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, और ईमेल आईडी को कंफर्म करके डालना है, और पासवर्ड बनाना है दोस्तों कम से कम 6 लेटर का होना चाहिए, और उसके बाद उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। और दोस्तों अपर और लोअर लेटर में ज़रूर बनाना चाहिए, एक छोटा और एक बटलर लेटर, और उसके साथ में नंबरिक भी होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर को री एंटर भी करना है। उसके बाद जैसे ये सब फिलअप कर देंगे तो आपको लास्ट में ये कैप्चा जो दोस्तों ये ऑप्शन रहता है, जो ये कैप्चा दिया रहता है, ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके और रजिस्टर में क्लिक कर देते हैं। जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करते हैं तो आपके पास में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड कंप्लीट होके आ जाता है, और नया पेज ओपन हो जाता है। मेरे केस में बात करें दोस्तों तो मैंने बना रखा हूं, तो मैं जैसे इसमें साइनिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो उसके बाद आपको यूज़र आईडी का और वो मिल जाएगा। तो चलिए इसमें क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मेरा यूज़र आईडी INC इंदौर जो मेरे यूट्यूब के नाम से है यहाँ ऑलरेडी बना दिया हूँ, INC इंदौर का मेरा यूजर नेम बन गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी यूजर नेम बनाना है दोस्तों आपके अनुसार, है ना। और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे, पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करने के बाद में ये रजिस्टर में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका ओपन हो जाएगा, चलिए आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके, वीडियो से जुड़े रहें दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, तो आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों प्रोग्राम में आ जाना है। मैं यहाँ पे फिल कर रखा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन आ चुका है, और ये अभी बाकी है सारे प्रोसेस, तो ये जैसे आप फिल कर लेंगे तो ये 1x1 करके फिल कर लेना है आपको। अब प्रोग्राम में अपन आ गए हैं, तो प्रोग्राम में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कोर्सेज के बारे में। तो जैसे दोस्तों प्रोग्राम टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रकार का आपको कोर्स करना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड के अलावा, जैसे आप IT हो गया, कंप्यूटर हो गया, और उसके अलावा आप एग्रीकल्चर हो गया, सारे कोर्सेज इसके अंदर कराए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और कोर्स किस प्रकार से आपको करना है तो वो सेलेक्ट करना है। जैसे यदि आपको बैचलर डिग्री चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, उसके अलावा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अपन अभी CCS सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अपन सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी का ऑप्शन आ रहा है, तो अपने को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। CCS सर्टिफिकेट में दोस्तों ये डिप्लोमा में आएगा, डिप्लोमा अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद CCS सर्टिफिकेट भी देखेंगे। तो डिप्लोमा में सेलेक्ट कर लेंगे तो भी OD आ जाएगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट आप डिप्लोमा, अब डिप्लोमा में जैसे अपन सेलेक्ट करते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से अपने सामने ये ओपन होके आता है पेज। तो डिप्लोमा वाले ऑप्शन में यहाँ पे CCS सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, अपने को सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में ही देखना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा में नहीं है। तो अपन वापस चलते हैं CCS सर्टिफिकेट की तरफ और सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब उसके बाद अपन चलते हैं मोड ऑफ स्टडी में, तो ओनली एक ही स्टडी है दोस्तों, ODL है, और सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट। अब यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है दोस्तों। अब देख सकते हैं जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं इसके अंदर सभी का ऑप्शन ओपन हो चुका है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। कोशिश करूँगा मैं और पास से दिखा दूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं इसके अंतर्गत इग्नू के द्वारा, वो सभी कोर्स के अंतर्गत यहाँ पे सारी उसके प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में आ चुका है। अब यहाँ पे आपने देख सकते हैं दोस्तों जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो ये सबसे पहला है सर्टिफिकेट HIV एंड फैमिली एडुकेशन, सर्टिफिकेट एडोलसेंट हेल्थ एंड काउंसिल, सर्टिफिकेट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सर्टिफिकेट अरबिक लैंग्वेज है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड का है, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज है, सर्टिफिकेट फूड एंड न्यूट्रिशन है, सर्टिफिकेट दोस्तों एक ये सर्टिफिकेट हाउसकीपिंग ऑपरेशन है, तो इसको आप सेलेक्ट CHO का सेलेक्ट करके मत कर लेना प्लीज़, यदि आप हेल्थ से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये है दोस्तों CHO, ये आप भूल से इसको सेलेक्ट मत कर देना फॉर्म फिलअप करते समय, क्योंकि ये CHO का नहीं है, ये कुछ और है, सर्टिफिकेट हाउसकीपिंग ऑपरेशन का है, तो ये ध्यान रखें दोस्तों, है ना। अब उसके अलावा ये सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ असिस्टेंट और सर्टिफिकेट इन होम बेस हेल्थ केयर, तो दोस्तों इन दोनों कोर्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको देख सकते हैं, आई बटन में जाके इसको देख सकते हैं सारी जानकारी, जिससे आपको इसमें एडमिशन लेना है तो जानकारी मिल जाएगी। खासकर ये कोर्स दोस्तों बहुत सारे नागपुर, उदयपुर, बेंगलुरु में ये कोर्स कराए जाते हैं, जो लोग आकर के आपके सिटी में नर्सिंग प्रोफेशनल को चैलेंज देते हैं, क्योंकि ये लोग सबसे सस्ता और कम में होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वजह से नर्सिंग प्रोफेशनल को इसमें जॉब बहुत कम मिल रही है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है होम केयर सर्विसेज में। ठीक है दोस्तों, अब अपने को यहाँ पे सर्च करना है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ वाला ऑप्शन दोस्तों, तो वो अपने को अभी तक यहाँ पे नहीं दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको यदि दिख रहा हो तो प्लीज़ सेलेक्ट करके बताना कमेंट करके, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अभी ऐड नहीं किया गया है जहाँ तक, क्योंकि मैंने 2019 के बाद एक बार इससे पहले भी लॉगिन करके चेक किया था, उसमें भी नहीं था 19-20 के बाद, क्योंकि 2019 के बाद में CHO का जब से कोर्स से NHM के द्वारा कराया जाता है, तब कम्युनिटी हेल्थ वाला कोर्स यहां से हटा दिया गया था इग्नू के वेबसाइट से, पेज से, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट और NHM को दे दिया था, जिसकी वजह से यहां से हटा दिया है दोस्तों, और अभी तक ऐड नहीं किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, एक दो दिन में आप लोगों के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा दूँगा पता करके, उसके बाद आपको मैं वो कोर्स का भी वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, यदि आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। ठीक है, अब अपन चलते हैं दोस्तों किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक अभी देख लिया मैंने CCS सर्टिफिकेट अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है, मैंने सभी दूर देख लिया हूँ, सर्टिफिकेट CCS सर्टिफिकेट अभी तक ऐड नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ऐड होता है तो आपको नया वीडियो अपडेट मिल जाएगा। अब मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि यहां पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं सर्टिफिकेट एडोलसेंट एंड हेल्थ काउंसिल। अब इसको जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अब आपको आपके रीजन कोड को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रीजन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पे दोस्तों इग्नू यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं दिया है, नागपुर में है, कोलकाता है, दिल्ली 2 है और बीजापुर है। तो यदि आप इनमें से नहीं है आपका लोकेशन, तो आप किसी इसको सेलेक्ट कर लें, इग्नू यूनिवर्सिटी कैंपस है। अब उसके बाद दोस्तों इसके अंतर्गत जो कैंपस रहेंगे उसको सेलेक्ट करना है, तो ये डायरेक्ट आपको
ले जाएगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश रहने वाली है, और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यदि आप आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम तो यस कर देना है, और अदर नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोस्तों किसी और सर्टिफिकेट का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप कोई और को सर्टिफिकेट को करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ, सॉरी दोस्तों ये क्या सेलेक्ट हो गया है, सर्टिफिकेट इन सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर इन बेस्ट मैनेजमेंट, या तो फिर सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ असिस्टेंट वाले को सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आपका रीजन सेलेक्ट करना है, आपका जो भी रीजन है, तीन सभी रीजन में ये कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि हो गया विशाखापट्टनम, नागपुर, बीजापुर, भुवनेश्वर, आर्मी। और दोस्तों ये डिस्टेंस लर्निंग है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई यू नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। और एक और कोर्स है जो कि सर्टिफिकेट इन सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ केयर का है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये रीजन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एजीवाल है, आर्मी उदयपुर है, बीजापुर है, कोचीन, जयपुर, जौनपुर, नागपुर, नवी मुंबई, नवी न्यू दिल्ली, नवी विशाखापट्टनम, नोएडा, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, इन सभी सेंटर में कराया जाता है। अब दोस्तों इसको किसी एक को आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको पासपोर्ट, जैसे मैंने यहाँ नागपुर सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब उसके बाद आपको प्रोग्राम स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है, तो ये आपके रीजन सेंटर है जो दो ही ऑप्शन बता रहे हैं। और इनको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट प्रोग्रेस में जाना है, लैंग्वेज जो आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी लैंग्वेज से ये पढ़ना चाहते हैं। तो यदि आप इंग्लिश है तो इंग्लिश, यदि हिंदी है तो हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिए किसी एक लैंग्वेज को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि आपको पहले बता रहा हूँ कि यदि आप इसके पहले से कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट यस में करना है। जैसे आप यस में सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो पेज ओपन आ जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस आ गए, आप कौन सा कोर्स पहले से कर चुके हैं तो वाले कोर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से कोर्स आपने पहले किया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये पुराना जो था सर्टिफिकेट कोर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ओल्ड में सीसीएच का सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ, जो कि 2020 से पहले का ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम जो लोग कर चुके हैं उन लोगों के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों बैक में जाना है, और बैक में जाके यहाँ पर अपने को नो कर देना है, क्योंकि यहाँ अपन यस करें हैं तो ये सारा ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पे नो कर देना है। यदि आपने नहीं किया है, नो करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे दोस्तों तो आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन प्रोग्राम डिटेल वाला ऑप्शन ये फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर का क्वालिफिकेशन डालना है। क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन ही जाके फॉर्म फिलअप कराएँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है 200 KB या 100 KB से कम रहता है, जो ऑप्शन पहले आपको बताया है और उसके बारे में एक वीडियो बना रखा हूँ, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और दोस्तों अदर चीज़ें आप यहाँ से वन बाई वन करके कम्प्लीट करते जाएँगे तो आपका फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। आज के लिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जो लोग सीसीएस सर्टिफिकेट या तो और कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।